नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कभी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले यूपी के दो लड़कों की पार्टियों के बीच में भारी मतभेद देखने को मिल रहा है। दो लड़कों से तो आप हमारा मतलब समझ ही चुके होंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्होंने यूपी में साल 2017 में हुआ विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। हालांकि पार्टी को इसका फायदा कुछ नहीं मिला था, बल्कि कांग्रेस ने और बुरी तरह अखिलेश की लुटिया डुबो दी थी। इसके बाद ये दोस्ती भी नहीं चली और यूपी में दो लड़कों की दोस्ती टूट गई। यहाँ हम दो लड़कों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए कहा था कि वो बहुत अच्छे लड़के हैं, जिसके बाद जब ये दोनों चुनाव लड़ने भी साथ आए तो दोनों को यूपी के दो लड़के कहा जाने लगा। हालांकि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कभी ये दोस्ती नहीं भाई और जब चुनाव में भी इसका फायदा नहीं मिला तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। लेकिन अब 3 सालों में सब कुछ बदल चुका है। यूपी के ही एक जिले मुजफ्फरनगर में हालात ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर को प्रियंका गांधी के उल्टे पोस्टर से पाट दिया है। देखिए कैसे, पोस्टर में जो टेक्स्ट है वो तो सीधा है लेकिन प्रियंका गांधी की तस्वीर उल्टी है। लिखा है, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी द्वारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ में विवादित पोस्टर लगाना अति निंदनीय है। समाजवादी पार्टी लगातार संविधान विरोधी कानून CA, NRC, NPR का सड़क से संसद तक पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेसियों के इस कृत्य की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी इसका खंडन करें या फिर माफी मांगे। शमशेर मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, युवजन सभा मुजफ्फरनगर। शमशेर मलिक से इस बारे में बात भी की गई। उनकी मांग है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी मांगनी चाहिए। पूरा मामला यह है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रियंका गांधी के इशारे पर अखिलेश यादव जी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन पर आरोप है कि वो CA, NRC व NPR के खिलाफ चुप हैं, जबकि आरोप सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से CA, NRC व NPR के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो NPR का फॉर्म नहीं भरेंगे और लोगों से भी अपील कर चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह का आरोप लगाना बेहद निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रियंका गांधी से मांग करते हैं कि वो माफी मांगे। उनके जो इशारे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं वो इसके लिए माफी मांगे। अब आपको वो भी बताते हैं जो कांग्रेस ने आजमगढ़ में किया है, जिसका विरोध किया जा रहा है और प्रियंका गांधी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अब ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में सबसे पहले तो अखिलेश यादव के मुंह पर टेप लगा दी गई है, दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो चुप हो गए हैं। इस पोस्टर में लिखा है, CA और NRC विरोधी प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम महिलाओं पर हुई पुलिसिया बर्बरता पर अखिलेश यादव चुप है। क्यों? अखिलेश यादव 2019 के चुनावों के बाद से आजमगढ़ से लापता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के लोग इसी पोस्टर का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आजमगढ़, जो कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, वहां अखिलेश की छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और फिर सपा के नेता ने तो ये भी कह दिया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर सपा के खिलाफ ये सब कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस तो मुख्य तौर पर CA, NRC और NPR का विरोध कर ही रही है, वहीं अखिलेश यादव भी CA, NPR और NRC का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो इसके खिलाफ एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया था। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि आप नागरिकता धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता ना मिले, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अखिलेश ने विरोध में पूछा है कि क्या असम और पूर्वोत्तर के लोग इस कानून से खुश हैं, आधार में सब मौजूद है। समाजवादी पार्टी CA, NRC और NPR का विरोध करती है। इसके अलावा भी कई और मुद्दों पर भी अखिलेश यादव बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। इसके बाद भी जब अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए गए तो फिर सपा ने भी मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रियंका गांधी माफी मांगे के पोस्टर लगा दिए। पूरा मामला यह है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रियंका गांधी के इशारे पर अखिलेश यादव जी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन पर आरोप है कि वो CA, NRC व NPR के खिलाफ चुप हैं, जबकि आरोप सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से CA, NRC व NPR के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो NPR का फॉर्म नहीं भरेंगे
और लोगों से भी अपील कर चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह का आरोप लगाना बेहद निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रियंका गांधी से मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे। उनके जो इशारे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं वो इसके लिए माफ़ी मांगे। आदरणीय सभापति जी, NPR की भी काफी चर्चा हो रही है, जनगणना और NPR सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो देश में पहले भी होती आई है, लेकिन जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की ऐसी मजबूरी हो तो खुद NPR को 2010 में लाने वाले लोग आज लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आपका शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कारण के चुनाव है, यूपीए के चुनाव है, आप एक पार्टी है, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री ने आप NPR के शुभारंभ के समय सभापति जी शांति, अगर आप शांति देश आजाद हुआ, आदरणीय सभापति जी चलो प्लीज देश आजाद no हुआ कमेंट्स, यू हैड योर से दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, यू आर वेस्टिंग योर यूजफुल एनर्जीज, प्लीज ऐसा मत करिए। प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द नेशन ना, सो नेचुरली ही हैज टू स्पीक। आदरणीय सभापति जी अगर आप फैक्ट्स कैन नॉट बी विदाउट रिकॉर्ड ना, देयर शुड बी सम अकॉर्ड अबाउट द रिकॉर्ड। आदरणीय सभापति जी अगर आप सेंसस भी देखेंगे तो देश आजाद होने के बाद पहले दशक में कुछ सवाल होंगे, दूसरे दशक में कुछ सवाल निकाल दिए होंगे, कुछ जोड़े होंगे, जैसे जैसी आवश्यकता वैसी है हर चीज में। ये गवर्नेंस के विषय होते हैं, छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। हम अफवाहें फैलाने का काम न करें। हमारे देश में पहले मातृभाषा का इतना बड़ा संकट कभी नहीं था, मातृभाषा पर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं था। आज सूरत के अंदर उड़ीसा से माइग्रेट होकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और गुजरात सरकार ये कहे कि हम उड़िया स्कूल नहीं चलाएंगे, कब तक चलेगा? मैं मानता हूं कि सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी मातृभाषा बोलता है, उसके पिताजी कौन सी भाषा बोलते थे, तब जाकर के सूरत में उड़िया स्कूलों को चालू किया जा सकता है। पहले माइग्रेशन नहीं होता था, आज जब माइग्रेशन होता है तभी आवश्यक होता है। तीन जिलों में से आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, टीवी में नहीं आ रहे, आप क्यों चिंता करते हैं? ये पद्धति नहीं है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज कृपया बैठ जाइए। आदरणीय सभापति जी ठीक है, पहले हमारे देश में माइग्रेशन बहुत कम मात्रा में होता था, समय रहते रहते शहरों के प्रति लगाव बढ़ना, शहरों का विकास होना, लोगों के एस्पिरेशन बदलने, तो पिछले 30-40 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि माइग्रेशन नजर आता है। अब ये माइग्रेशन का मैं भी प्लीज, जब तक दिस इज नॉट द फेयर, तीन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन होता है, प्लीज कौन जिलों से लोग जिला छोड़कर के जा रहे हैं इसकी जानकारी के बिना उस जिले के डेवलपमेंट को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते। आपके लिए आवश्यक है कि आपने और ये सारे, और दूसरा इतनी अफवाहें फैला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपने तो 2010 में NPR लाए, हम 2014 से यहां बैठे हैं, क्या इसी NPR को लेकर के किसी के लिए सवालिया निशान हमने खड़ा किया है? रिकॉर्ड तो हमारे पास है, क्या नहीं है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं? हमारे पास है आपके NPR,
आपका एनपीआर का रिकॉर्ड हमारे पास है, आपके समय का एनपीआर का रिकॉर्ड है। इस देश के किसी भी नागरिक को उस एनपीआर के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया।